बॉलीवुड गॉसिप्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए मजेदार बॉलीवुड अपडेट्स लाते रहें। शाहरुख खान के फैंस उनकी आने वाली फिल्म पठान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरी बार शाहरुख साल 2018 में फिल्म जीरो में नजर आए थे। अब 5 साल बाद वह फिल्म पठान से पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। खबर है कि उनकी इस फिल्म का सीक्वल भी बनाने पर चर्चा की जा रही है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान 5 साल बाद फिल्म पठान से बतौर लीड स्क्रीन पर धमाल मचाने वाले हैं। शाहरुख के फैंस की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। इतना ही नहीं, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने पठान की रिलीज से पहले ही इसका सीक्वल बनाने का मन बना लिया है। वैसे फैंस तो पहले से ही उनकी इस फिल्म को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे में फिल्म के सीक्वल की चर्चा फैंस के लिए डबल धमाका है। वही दूसरी ओर सलमान की टाइगर 3 में शाहरुख भी खास भूमिका में नजर आने वाले हैं। अब लग रहा है कि इस तरह के और धांसू कोलैबोरेशन आने वाले समय में देखने को मिलते रहेंगे। शाहरुख के फैंस तो पहले से ही काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब फैंस के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पठान का सीक्वल भी बनने वाला है। शाहरुख के अभिनय से सजी ये फिल्म अगले साल 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। अपनी फिल्म पठान में शाहरुख एक स्पाई की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की सबसे खास बात ये है कि ये यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, जिसमें पहले सलमान खान 2 बार टाइगर के किरदार से फैंस को हैरान कर चुके हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि जो फैंस की एक्साइटमेंट पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स आती रही है कि यशराज फिल्म्स अपने स्पाई यूनिवर्स को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। टाइगर 3 और पठान के अलावा वह ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की एरियल एक्शन फिल्म फाइटर को भी स्पाई यूनिवर्स में शामिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि ऋतिक और टाइगर श्रॉफ की ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर का भी फिल्म से कनेक्शन होने वाला है। टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने मन बना लिया है कि पठान का सीक्वल भी लाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके सीक्वल में पहली फिल्म के मुकाबले कई नए किरदार भी शामिल किए जाएंगे। एक सूत्र ने तो यह भी बताया कि फिल्म पर काम भी शुरू किया जा चुका है और पठान की टीम ने सीक्वल की राइटिंग के लिए काम शुरू कर दिया है। जिस तरह सलमान खान की टाइगर सीरीज की कहानियां दूसरे देशों तक पहुंचती है, उसी तरह पठान के सीक्वल्स में भी कहानी दूसरे देशों तक पहुंच सकती है। बात अगर शाहरुख की फिल्म पठान की स्टार कास्ट की करें तो इसमें शाहरुख खान के अपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं। साथ ही फिल्म में जॉन अब्राहम विलेन की भूमिका में हैं। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि शाहरुख की पठान 2 में कौन से नए किरदारों की एंट्री होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।